देंगे कि 4 सास को कितने स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए, कौन से प्रोग्राम में हमें कितने लेवल्स को एक्टिवेट करना चाहिए, जिससे हम लोग कम टाइम के अंदर बहुत बढ़िया इनकम कर सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखिएगा, मैं आप लोगों को बड़े आसानी से बताऊंगा कि आपको कौन से प्रोग्राम में कितने स्लॉट से स्टार्ट करने की जरूरत है, जिससे आप लोग एक अच्छा अचीवमेंट 4 सास के अंदर ले सकते हो। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 4 सास के अंदर 4 प्रोग्राम्स है जहां से आप लोगों को इनकम होती है। सबसे पहला 4 सास X3, 4 सास X4, 4 सास XXX एंड 4 सास XGold। चारों प्रोग्राम्स का जो वर्किंग का सिस्टम है या फिर जो आपको इनकम आती है वो अलग अलग तरीके से आती है। अगर इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊं तो जस्ट आप लोगों को बताने वाला हूं 2 प्रोग्राम्स के बारे में, X3 एंड X4 के बारे में। अगर आप XXX एंड XGold को भी उसमें इंक्लूड करना चाहो तो उसमें भी आप लोग स्टार्टिंग कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपको X3 के अंदर कितने स्लॉट्स कम से कम लेने चाहिए एक अच्छी स्टार्टिंग के लिए। तो मेरा एक आपको सजेशन ये रहेगा कि कम से कम आप 5 स्लॉट से स्टार्टिंग करिए। पहले स्लॉट की कॉस्ट 5 BUSD है, दूसरे वाले की 10 BUSD है, तीसरे वाले की 20, चौथे वाले की 40 और पांचवे वाले की 80, यानी 155 BUSD से आप X3 को स्टार्ट करिए और सेम काम आप X4 में भी करिए। मतलब 155 BUSD से आपको X4 भी स्टार्ट करना चाहिए। टोटल आपका 310 BUSD का जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है जब आप 5 स्लॉट से स्टार्ट करते हो 4 सास X3 एंड 4 सास X4 को। गाइज, यहाँ पे अगर $10 की स्मार्ट चेन भी आप लोग रख लेते हो जो कि नेटवर्क फीस ट्रांजेक्शन फी के लिए आप लोगों की लगती है, तब भी आपका ₹27,000 में मोटा मोटा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 5 स्लॉट से हो जाएगा। अब आगे जब आप किसी को भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाओगे, आप सब लोगों को पता है मिनिमम 4 सास के अंदर आप जो स्टार्टिंग कर सकते हो वो ₹1200 से कर सकते हो, यानी जस्ट एक एक स्लॉट से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो, दो दो से स्टार्टिंग कर सकते हो, तीन तीन से स्टार्टिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप 5 स्लॉट से अगर स्टार्टिंग करते हो तो उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि कोई भी मेंबर जब आप उसको ज्वाइन करवाओगे अपने साथ में तो वो आपके साथ में एक एक स्लॉट से भी स्टार्ट कर सकता है, दो दो से भी स्टार्ट कर सकता है, तीन तीन से भी स्टार्ट कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा आपके साथ में ₹27,000 यानी 5 स्लॉट से भी स्टार्ट कर सकता है। मैं एक बार मान के चल रहा हूं कि अगले 1 महीने के अंदर आप इससे 5 लोगों को ज्वाइन करवा दोगे अपने डायरेक्ट में जो कि 5 स्लॉट से स्टार्टिंग करते हैं X3 एंड X4 में। एक कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बताता हूं। X3 आपको पता है 3 पोजीशंस होती है X3 में। 3 पोजीशंस में से पहली 2 पोजीशन की 100% पेमेंट आपको आती है, यानी पहले मेंबर से और दूसरे मेंबर से आपको 155 + 155 यानी कि आपको 310 BUSD की इनकम हो जाएगी। और X4 में पहले 2 मेंबर से जो इनकम होगी वो ऊपर अप्लायंस में डिस्ट्रीब्यूट होगी या फिर किसी को क्रॉस लाइन में नॉन वर्किंग के रूप में जाने वाली है। इसी तरीके से अगर आपने 5 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, आपकी इंडियन करेंसी में मैं बता रहा हूं ऑलमोस्ट ₹90,000 के आसपास की आपकी इनकम हो जाएगी। अगर आपने 1 महीने में भी यह काम कर दिया, आपने जस्ट 27,000 से स्टार्ट किया, 5 लोगों को सेम काम करवाया और आपको 90,000 की इनकम होगी। अगर वही 5 लोग आगे भी काम करते हैं, आगे भी इसी तरीके से काम करते हैं, तो ये इनकम धीरे धीरे बढ़ के आपकी लाखों में चली जाएगी। अगर हम लोग बात करें यहां पे X3 और X4 के अलावा XXX एंड XGold की, तो यहां पे भी मिनिमम आप 1-2-5 स्लॉट से स्टार्टिंग कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपका बजट कितना, उस हिसाब से शुरुआत में जब जितने ज्यादातर लोग स्टार्ट करते हैं 4 सास को मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, उसके पीछे का रीजन यह है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, हमें पता है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का रेशियो क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 5% लोग सक्सेस होते हैं, 95% लोग सक्सेस नहीं होते। लेकिन अगर मैं बात करूं 4 सास की तो 4 सास में 98% लोग सक्सेस होते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पे जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 100% कम्युनिटी में होता है। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि जो भी आप टर्नओवर दोगे उसका कुछ परसेंट जो होगा फाउंडर्स या क्रिएटर्स के पास में जाने वाला है। यहाँ पे 100% पूरा का पूरा जो कमीशन होगा वो आप में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। सो दैट्स वाई यहाँ पे बड़ी इनकम करना पॉसिबल है। लेकिन हम लोगों का माइंड सेट ऐसा बना है, कहते हैं दूध से जले को छाछ से भी डर लगता है, छाछ भी फूंक फूंक पे के पीता है। इसके पीछे
एक लॉजिक यह है, आप ये समझिए कि आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए, जिनके लीडर्स ने बहुत बड़े बड़े वादे किए, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों को मिला क्या, जितना हम डिजर्व करते थे या जितनी हम उम्मीद करते थे उतना हमें नहीं मिला। इसलिए जब हम फोर्स आज को स्टार्ट करते तो जस्ट टेस्ट करने के लिए इसको स्टार्ट करते, हम अगले वाले से पूछते हैं सर मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, कम से कम कितने से स्टार्ट किया जा सकता है। उसके पीछे का रीजन यही है कि चलो ठीक है मिनिमम हमने 1000-1200 रुपए लगा दिया, कल को अगर नहीं भी हुआ तो कोई बड़ा रिस्क हमने नहीं लिया। बिल्कुल ये आपकी सही है, आप मिनिमम स्टार्टिंग 1200 से भी कर सकते हो, लेकिन फोर्स आज एक 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहां पे 100% मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, 100% ट्रांसपेरेंसी है, विद इन ए सेकेंड जो पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी हो जाता है, किसी भी थर्ड पार्टी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो मैं कहूंगा अगर वाकई आप इसको एज ए प्रोफेशनल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मिनिमम से स्टार्ट ना करके कुछ अच्छी स्टार्टिंग करें। मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि 5-5 स्लॉट से आप लोग इसको स्टार्ट करें, बहुत बेहतरीन। अगर आप लोगों को रिजल्ट चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है दोस्तों, आप जो अपने लोगों को या टीम को बताते हो वो लोग फॉलो नहीं करते, आप खुद क्या करते हो वो आपकी टीम फॉलो करती है। और सिंपल सी यहाँ पे ये समझनी है कि अगर आपने 5-5 स्लॉट से स्टार्ट किया है फोर्साज को तो चांसेस ये भी बनते हैं कि जिन लोगों को आप बताओगे वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई तुमने कितने से स्टार्ट किया है, आपकी आईडी को ओपन करके देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि मुझे भी एक एक स्लॉट से ज्यादा से स्टार्ट करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको ये भी मिलने वाला है कि जिस स्लॉट को आपने एक बार परचेज कर लिया कभी भी आपको रीपरचेज नहीं करना होता फोर्साज के अंदर। और साथ ही साथ जिनके साथ में आप ज्वाइन कर रहे हो उनसे नॉन वर्किंग आने के भी चांस रहते हैं, नॉन वर्किंग इनकम आने के भी चांसेस रहते हैं। आप सब लोगों को पता है कि फोर्स आज के अंदर जो आपके अप्लायंस है उनके काम से भी आपको इनकम होती है। आज आपकी स्टार्टिंग हो रही है लेकिन आपके अप्लायंस पहले से टीम बना चुके हैं, पहले से वर्किंग में काम कर रहे हैं, सो दैट्स वाई आप उनके काम का भी फायदा उठा सकते हो, उनके काम से भी इनकम कर सकते हो। सो आप लोगों को फोर्स आज स्टार्ट करना चाहिए 5-5 स्लॉट से। बाकी आप लोग इस कमेंट, इस वीडियो के कमेंट में बताइए कि आपने फोर्स आज कितने से स्टार्ट किया था और अभी आपके कितने कितने स्लॉट्स हैं, ठीक है, अगर आप ज्वाइन पर्सन हो। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो बताइए कि फोर्स आज कितने स्लॉट से आप लोग स्टार्ट कर रहे हो।